दोस्तों प्रावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन और अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन, ये दो वर्ड सब लोग सुनते हैं, स्टूडेंट लोग तो कॉमन सुनते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो सुनना ही है और आम लोगों भी ये अक्सर सुनते होंगे। दोस्तों ये दोनों सुनने में सब सेम लगता है लेकिन दोनों बहुत अंतर है। अपवर्तन का मतलब अगर कोई लाइट आ रहा है, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन आ रहा है इसमें, उसमें क्या है कि कोई लाइट अगर आएगा और उस माध्यम से टकराए और उस माध्यम के हिसाब से प्रकाश विक्षिप्त होकर उल्टा उसी माध्यम से निकल जाए, मतलब वापस नहीं है, उससे टकराए उसके अंदर एंट्री ले और उसके उस पार से निकल जाए, उसको बोलते हैं अपवर्तन। लेकिन जब कोई प्रकाश आए और प्रकाश आने के बाद उससे टकरा कर वापस वापस जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में चला जाए, उसको कहते हैं प्रावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों उसका उदाहरण अगर मैं दूं तो सबसे अच्छा उदाहरण है हम लोग जो आईना घर में देखते हैं, उसमें जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमारे शरीर से या हमारे चेहरे जो लाइट आती है वो आईने पर पड़ती है और उससे टकरा कर वापस हम तक आती है, इसलिए वो हमारा ही इमेज हमें दिखता है, वो प्रावर्तन का उदाहरण है। और अगर आप लोग अपवर्तन की बात करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो चश्मा है, चश्मा ज़्यादातर लोग पहनते हैं, तो चश्मा में होता है कि उधर से कोई प्रकाश आता है और चश्मे के अंदर, अब चश्मे के हिसाब से लाइट अपने हिसाब से विक्षिप्त होकर एडजस्ट होकर उनकी आंखों तक पहुंचती है, वहां है अपवर्तन। लेंस के द्वारा हम कोई चीज़ देखते हैं वो सब चीज़ है अपवर्तन, और जैसे हमारा साइड मिरर होता है या पीछे का इमेज दिखता है वो क्या है प्रावर्तन। अब और आसान भाषा में कहें कि कोई अगर कांच से, अगर मैं कांच से इस पार से उस पार देखूं तो वो हो रहा है अपवर्तन, लेकिन वही अगर मैं कांच के पीछे पीछे पॉलिश कर दूं और उसमें अपना ही इमेज देखूं वो होता है प्रावर्तन। तो अब इसके साथ में कुछ ऐसी चीजें देख ले जो सब लोगों को पता होना चाहिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई तैयारी करने वाले स्टूडेंट को तो पता होना ही होना चाहिए। जो प्रावर्तन होता है, प्रावर्तन मैंने बताया था कि कोई भी तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम जो प्रकाश लौट जाता है उसको प्रावर्तन कहते हैं। तो प्रावर्तन जो तल होता है जिसको दर्पण कहते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल प्लेन, जैसे हमारे घर का आईना, उसमें जो हम देखते हैं वो हमें दिखता है, हालांकि सब में वैसे ही दिखता है, लेकिन इसमें क्या है कि ना साइज आकार वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता, जो साइज का है डिट्टो वही साइज का हमारा वापस इमेज दिखता है। दूसरा प्रावर्तक तल हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसमें हमारा जो भी इमेज उसमें बनता है हमसे छोटा बनता है, इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में, टोटल गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि पीछे का इमेज क्या बनाना है, छोटा बनाना रहता है। और तीसरा चीज हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब ये हो गया कि ऐसा चीज जिसमें इमेज बड़ा करके देखना है, जैसे कोई दांत का जो दवाखाना में देखिएगा वो जो मिरर से देखते हैं ना, वो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि हमारे दांत के छोटे छोटे कैविटीज बड़ा होकर दिखता है। जब हम शेविंग करते हैं वाली जो आती है शेविंग, ऐसे तो हम लोग नॉर्मली उससे शेविंग कर लेते हैं, लेकिन जो शेविंग बनाने वाली जो दर्पण आता है वो क्या रहता है, वो दर्पण क्या रहता है, अवतल दर्पण रहता है। और दोस्तों अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का प्रयोग तब होता है जब दूर की चीजें किसी को नहीं दिखता, तो उसके लिए जो यूज करते हैं उत्तल लेंस यूज करते हैं, मतलब जो चश्मे में उत्तल लेंस रहेगा, कन्वेक्स लेंस रहेगा, और कोई व्यक्ति को दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, तो उसके लिए क्या कॉन्केव लेंस का यूज होता है, मतलब अवतल दर्पण का। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोग को अपवर्तन, प्रावर्तन और उसका एग्जाम्पल सहित आप लोग को ये चीज समझा पाया हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।